नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रेश मटर से फ्रोजन मटर कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बाजार में बहुत मात्रा में अच्छे और सस्ते मटर मिल रहे हैं, हरे मटर। तो हम बाजार से लाकर इन्हें साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो मटर से दाने निकाल लिए हैं और अच्छे दाने लिए हैं चुनकर, जो इनमें सरा गला और छोटे छोटे दाने होते हैं वो निकाल दिए हैं चुनकर। इनसे देखिए इस तरह का छोटे छोटे दाने और सरा गला हो तो निकाल दें इनसे। हमें फ्रोजन बनाने के लिए बहुत अच्छे दाने चाहिए, नहीं बहुत छोटे, नहीं पका हुआ चाहिए। तो गैस पर एक बर्तन में पानी डालेंगे उबलने के लिए और पानी इतना डालेंगे कि आसानी से डूब जाए मटर। तो उबलने देते हैं पानी को। तो देखिए पानी उबल चुका है, अब हम इनमें डालेंगे ये मटर। और मटर डालने से पहले पानी में 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं। चीनी हम इसलिए डालते हैं कि मटर में स्वीटनेस बनी रहे और कलर भी इसका हरा बना रहे। तो आप चाहे तो चीनी डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मटर डाल लिए हैं, अब इन्हें हाई फ्लेम पर ही 2 मिनट अथवा 1 उबाल आने देंगे इनमें, तब तक हम पका लेते हैं। तो देखिए 1 उबाल आ चुका है, तुरंत गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें तुरंत छान लेते हैं और ठंडे पानी में डालेंगे अथवा आइस रख कर डालेंगे। यहाँ हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो ऐसे ही ठंडे रहते हैं पानी, तो आइस डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाती हूँ। इन्हें एक जाली पर रख कर छान लेते हैं तुरंत, और छान कर तुरंत ठंडा पानी में रखेंगे। ठंडे पानी में इसीलिए रखते हैं कि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, हमें ओवर कुक नहीं करना होता है मटर को, पहले से ही पानी ठंडे रखे रहेंगे। तो ये पानी बहुत ही ठंडे हैं तो हमें आइस रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं रख कर दिखाती हूँ। यदि आप गर्मी जगह पर रहते हो तो पानी में बहुत सारे आइस अथवा पानी फ्रिज का लेना पड़ेगा, तो इस तरह से डालिएगा और इसे 2-3 मिनट रहने देंगे इसी ठंडे पानी में। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं ठंडे पानी से, अब निकाल लेते हैं मटर को। तो छान लेते हैं फिर से, मटर में कोई अभी भी बिगड़ा हुआ दाना देखे तो निकाल दीजिएगा। फिर से इसी जाली पर डालकर निकाल लेते हैं कि ताकि जल्दी से पानी निकल जाए, सारा पानी हमें निकालना है। तो मटर को अभी इसी जाली पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि मटर ठंडे भी हो जाए और पानी भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए पानी भी निकल गया है, ठंडे भी हो गए हैं मटर। अब चलते हैं इसे पैकिंग करेंगे। गर्म में हमें पैकिंग नहीं करना होता है, ठंडे करके ही करना पड़ता है। तो अब इन्हें पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग करने के लिए हम चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं अथवा पॉलीथीन बैग में डाल सकते हैं अथवा जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं। देखिए एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से बड़े वाले भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि आप जब मटर फ्रिज से निकालेंगे यूज करने के लिए, तो जितना चाहिए उतना निकाल कर और फ्रिज में तुरंत फिर से पैक करके रख देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो मेल्ट होने के बाद रखेंगे तो वो जल्दी से बिगड़ जाएंगे। फ्रोजन मटर बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत दिनों तक चलेंगे फ्रोजन मटर, करीब 1 बरस। तो देखिए इस तरह का जिपलॉक बैग बाजार में इजीली मिलता है और छोटे बड़े साइज में भी मिलता है, तो अपने आवश्यकता के अनुसार से इसमें पैक करके रख सकते हैं। और इस तरह का पैकेट भी होता है जिसमें सामान किराना स्टोर में रखते हैं, तो उसमें भी रखकर मटर और रबर बैंड से टाइट करके लगा देंगे तो भी चलेगा। अथवा हम सामान लाते हैं तो पोलोथीन में लाते हैं व्हाइट कलर का, इसमें भी रबर लगा कर रखेंगे टाइट करके तो भी चलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम यूज करने के लिए निकालेंगे और बाकी का जो रहेगा वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पैक कर लेते हैं, देखिए ये पैकेट में, और पूरी तरह से भरना नहीं है हमें, थोड़ा खाली रख कर ही इसका एयर निकाल कर ही इसका जिपलॉक बंद कर देंगे। तो अब इस तरह से पैक कर लेते हैं, देखिए। तो अब इसी तरह से सारे पैक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे पैक कर लिए हैं, अब इन्हें फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में नहीं। तो आप इस तरह से बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।